गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केशवानंद डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आपने जो प्रीवियस वीडियो था, उस प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स की जो है एक्सरसाइज चल रही थी। आर्टिकल्स में हमने जो है ए और एन जो आर्टिकल्स हैं उनका जो है यूज़ सीख लिया था। तो आज जो है वो जो एक्सरसाइज बची हुई है ए आर टी आई सी एल ई एस आर्टिकल्स की, आर्टिकल की जो एक्सरसाइज है उसको जो है उसके चार क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आर्टिकल्स के वो हम जो है अब करेंगे, ठीक है। तो डी तक के हो गए थे, उसके बाद में ई का जो क्वेश्चन था द स्टूडेंट्स वेंट फॉर, ई का जो क्वेश्चन था द स्टूडेंट वेंट फॉर, और फिर उसके बाद में दिया हुआ है ब्लैंक्स के बाद में है एक्सक्रीशन EXCURSION एक्सक्रीशन टू, फिर ब्लैंक्स है, फिर जो है आगे है हिस्टोरिकल HISTORICAL हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट MONUMENT मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास में सेकंड थी, एक्सरसाइज नंबर दो जो थी, तो उस दो नंबर एक्सरसाइज जो थी उसका जो है कुछ डी तक के क्वेश्चन कर लिए थे और आगे वाले जो है वो बाकी थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, आगे वाले जो है अब कर रहे हैं। तो सेंटेंस हमारे पास में है कि द स्टूडेंट्स वेंट फॉर एक्सक्रीजन हिस्टोरिकल मोनूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास में आ रहा है ई जो आ रहा है, तो ई जो है वो एक वोवेल है और वोवेल से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पर यूज़ कर दिया एन का, ठीक है। तो ये हो गया द स्टूडेंट वेंट फॉर एन एक्सक्रीजन टू ब्लैंक्स, और फिर बाद में है हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल में एच जो है, हालांकि एच बोलने के अंदर कई जगह जो है वो वोवेल में आता है, लेकिन यहाँ पर जो हिस्टोरिकल है वो जो कॉन्सोनेंट ही है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा ए। तो इसका जो आंसर बन जाएगा द स्टूडेंट वेंट फॉर एन एक्सक्रीजन टू ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। दूसरा सेंटेंस है कुड यू पास मी, अगला सेंटेंस जो है वो है कि कुड यू पास मी, उसके बाद में जो है दिया हुआ है ब्लैंक्स, ठीक है। तो कुड यू पास मी ब्लैंक्स clean plate and empty glass GLASS। ये आगे वाला जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुड यू पास मी ब्लैंक्स क्लीन प्लेट एंड एम्प्टी ग्लास। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो है पहले तो दिया हुआ है क्लीन, तो क्लीन का सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर तो उत्तर आ गया ए, ठीक है। और एम्प्टी के अंदर जो है ई वो एक वोवेल है, तो यहाँ पर जो उत्तर आ गया वो आ गया एन, ठीक है। तो हमें जो ए और एन जो आर्टिकल्स हैं उनका जो यूज़ लेते हैं वो इस बेस पे लेते हैं, इस आधार पे लेते हैं कि हमें ये देखना है कि साउंड जो है वो वोवेल का है या कॉन्सोनेंट का है। कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हम ए का यूज़ करेंगे, और यदि वोवेल का साउंड है तो हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगला जो सेंटेंस है ई एफ और जी, जी का जो सेंटेंस है वो क्या है। जी का सेंटेंस है हैव यू सेल्ड ऑन ब्लैंक्स, ठीक है। हैव यू सेल्ड ऑन ब्लैंक्स याच बिफोर YATCH BEFORE याच का मतलब होता है नाव,
हैव यू सेल्ड का मतलब होता है बैठ के जो है नाव में घूमना. बिफोर नो बट आई स्पेंड सम टाइम ऑन, I spent some time on houseboat. ठीक है, HOUSEBOAT houseboat. तो इसमें हमारे पास में जो है एक ब्लैंक्स है, houseboat से पहले भी जो है ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है ब्लैंक्स है. ठीक है, तो हमको जो है इसमें याच जो है वो वाई जो है वो ये का प्रेजेंट शीट देता है, तो यहाँ पर तो आ गया ए आ गया. नो बट आई स्पेंड सम टाइम ऑन हाउस होल्ड, तो ऑन यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा ए हाउस होल्ड. एच जो है वो भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि देता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर ए का जो है प्रयोग किया गया है. तो इस प्रकार से जो है एक्सरसाइज नंबर 3 के जी तक के सेंटेंस हैं. अभी जो है जी के बाद में आगे वाला जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से है कि माई सिस्टर हैज, एच का जो सेंटेंस है वो है माई सिस्टर हैज़ ब्लैंक्स स्लाइस ऑफ ब्रेड विद के बाद में फिर एक ब्लैंक्स है, यहाँ पर जो है ब्लैंक्स दिया गया है. स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, स्लाइस ऑफ ब्रेड विद बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग. ठीक है, बॉइल्ड BOILED बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग MORNING एवरी मॉर्निंग. ये हमारे पास में सेंटेंस है कि माई सिस्टर हैज ब्लैंक स्लाइस ऑफ ब्रेड विद ब्लैंक्स बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग. ठीक है, तो इसमें जो है स्लाइस में जो एस है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आ गया ए. ठीक है, ए आ गया, फिर वो वाला ब्लैंक्स है तो बॉइल्ड जो है उसका बी जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर आ गया ए. तो दोनों जो ब्लैंक्स हैं उनके अंदर ए ही आंसर आया है. तो इसका आंसर हो गया माई सिस्टर हैज ए स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ ए बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग. ठीक है, लास्ट सेंटेंस है आई वॉज रीडिंग. ठीक है, आई वॉज रीडिंग blanks interesting story about के बाद में जो है फिर blanks दिया गया है. about के बाद में blanks है about unicorn and eagle. ये हमारे पास में सेंटेंस है कि आई वॉज रीडिंग ब्लैंक्स इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट यूनिकॉर्न एंड ब्लैंक्स ईगल. ठीक है, तो अब देखिए यूनिकॉर्न जो है आई वॉज रीडिंग इंटरेस्टिंग का जो है ई सबसे पहले जो है वो कॉन्सोनेंट वोवेल है तो यहाँ गया एन. ठीक है, तो ये आ गया आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट, उसके बाद में यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न में यू आ रहा है, यू हालांकि दिखता वोवेल है बट उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट का है, तो यहाँ आ गया ए. ठीक है,
अबाउट ए और एंड ईगल, ईगल में ई आ रहा है तो ई जो है वोवेल है, तो यहाँ पर जो क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए और एन के जो जो आर्टिकल्स हैं ये डिपेंड करते हैं प्रोनंसिएशन के ऊपर, हम जो वर्ड को कैसे उच्चारित करते हैं तो उसके ऊपर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, अब हम जो है हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है द जो आर्टिकल है उसका यूज लेना जो है प्रारंभ करते हैं कि द जो है वो कहाँ कहाँ यूज में आता है। ये द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, यूज यूज ऑफ द का यूज। ठीक है, तो यूज ऑफ द के अंदर जो है सबसे पहले जो है द का यूज जो है वो कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले जो है बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वेंट टू, बिफोर एनी नाउन, बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वेंट टू, व्हेन वी वेंट टू, बिफोर एनी नाउन। ठीक है, किसी भी नाउन से पहले व्हेन वी वेंट टू पार्टिकुलराइज, P-A-R-T-I-C-U-L-A-R-I-S-E particularize it। ठीक है, तो पहला रूल है इसका यूज ऑफ द का, जो पहला रूल है बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वेंट टू पार्टिकुलराइज इट। ठीक है, पर्टिकुलर जो है किसी नाउन को हम रेफर करते हैं तो हम जो है द का यूज करते हैं, जैसे वी लॉस द बॉल विद विच वी वर प्लेइंग, वी लॉस द बॉल। ठीक है, हमने वो गेंद खो दी, वी लॉस द बॉल विद विच वी वर प्लेइंग, विद विच वी वर प्लेइंग PLAYING विद वी वर प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वी लॉस द बॉल, तो एक बॉल जो है वो एक विशेष बॉल है। ठीक है, वो गेंद जिसे हम पर्टिकुलरली खेल रहे थे उसको हमने लॉस कर दिया, उसको हमने खो दिया, तो ये वी लॉस द बॉल तो पर्टिकुलर बॉल है, तो इसके पहले जो है आर्टिकल जो है वो किसका यूज हुआ, द आर्टिकल का जो है वो यूज हुआ। तो पहला रूल जो इसका ये है कि बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वेंट टू पार्टिकुलराइज इट, किसी भी नाउन से पहले जब उसको हम पार्टिकुलराइज करते हैं। ठीक है, क्लोज द विंडो, क्लोज द WINDOW क्लोज द विंडो। ठीक है, खिड़की को बंद कर दो, ऑन योर लेफ्ट जो तुम्हारे लेफ्ट में है, ON YOUR LEFT LEFT ON YOUR LEFT। तो यहाँ पर भी जो है विशेष तौर से बताया गया है कि उस खिड़की को बंद कर दो, तो विंडो जो है वो पर्टिकुलराइज है, तो पर्टिकुलराइज है इसलिए जो है द का यूज किया हुआ है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि बिफोर एनी नाउन, किसी भी संज्ञा से पहले व्हेन वी वेंट टू पर्टिकुलराइज इट, जब हम उसको पर्टिकुलराइज जो है करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी संज्ञा से पहले जो है द का जो है वो यूज लेते हैं। ये हुआ इसका रूल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके रूल नंबर सेकंड की, कि द यूज करने का जो है रूल नंबर सेकंड जो है वो क्या है। द को यूज करने का जो रूल नंबर सेकंड है वो है विद सुपरलेटिव्स। ठीक है, दूसरा जो रूल है इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में आता भी है, कि विद सुपर लेटिव्स LATIVES। ठीक है, सुपर लेटिव्स के साथ में विद सुपर लेटिव्स, सुपर लेटिव के साथ में जो है
हम द का जो है यूज करते हैं, ठीक है। सोमेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास, ठीक है। तो सोमेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास, इन द क्लास, सी एल ए डबल एस, ठीक है। आई एन टी डबल एल आई जी एन टी। तो इसमें जो है हमने जो है यहाँ पर द जो है वो यूज में लिया है, द का जो है वो हमने प्रयोग यहाँ पर किया है। तो यहाँ इसलिए किया कि मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, ये जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है। हमने जो है पहले पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज है उसमें तीन प्रकार की डिग्रीज आती हैं। एक जो डिग्री है वो आती है सबसे पहले जो है वो आती है पॉजिटिव, दूसरी आती है कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव के बाद में तीसरी जो है वो आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने जो है किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। दूसरा सेंटेंस, दिस इज द बेस्ट कॉमेडी आई एवर सीन, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट कॉमेडी सी ओ एम ई डी वाई, आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट कॉमेडी आई हैव एवर सीन। तो दिस इज द बेस्ट कॉमेडी, तो बेस्ट जो है गुड बेटर बेस्ट, गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बेस्ट है। इससे पहले हमने किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। तो इस प्रकार से जो है हम कहने का मतलब है कि जो सेकंड नंबर रूल है वो ये है कि हमें लगे कि हमें आर्टिकल्स का यूज देना है और उसके पहले जो है आर्टिकल्स जो है उसके ब्लैंक्स के ठीक बाद में सुपरलेटिव डिग्रीज आ रही है। जैसे इसमें आ रहा है गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, इसमें आ रहा है मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हमने यहाँ भी द का यूज ले दिया और यहाँ पर भी जो है वो द का यूज ले दिया। तो दोनों जगह जो हमने द का प्रयोग जो है कर दिया, तो सुपरलेटिव्स के साथ में जो है द का यूज होता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसका अगला जो रूल है, द के अंदर दो रूल हमारे पास में आए हैं। एक तो ये आया है सबसे पहला रूल कि नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं तो हम द का यूज लेते हैं। दूसरा रूल ये आया हमारे पास में कि सुपरलेटिव जो डिग्री है उसको यदि हमें मिल रही है सुपरलेटिव डिग्री तो उसके पहले जो है हम द का यूज लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो है रूल नंबर थर्ड जो है वो क्या है, ठीक है, रूल नंबर थर्ड जो है विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट ओनली, ठीक है, विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट और ओनली, ओ एन एल वाई। अब ये जो वर्ड हमें दिख रहे हैं कौन कौन से वर्ड, फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट और ओनली, ठीक है। तो यदि आपको वर्ड मिल रहा है कहीं पे, आपको वर्ड मिल गया फर्स्ट, ठीक है, आपको मिल गया लास्ट, तो आपको मिल गया नेक्स्ट, या आपको मिल गया ओनली, तो आप जो है उसके पहले जो है द का यूज करेंगे, द आर्टिकल का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें यदि ये वर्ड्स मिलते हैं, जैसे हमारे पास में है कि हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ऑन द लास्ट बेंच, बी ई एन सी एच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें मिल गया यहाँ पर देखिए लास्ट, तो लास्ट यहाँ पर मिल गया, तो हमने जो है इससे पहले यूज ले दिया, द का जो है यूज में लिया। तो विद वर्ड्स ऐसे शब्द जैसे फर्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, ओनली आ गया, तो ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड से पहले जो है वो हम द का जो है यूज लेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे आगे है मधु इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है, तो मधु
MADHU मधु इज द ओनली डॉटर DAUGHTER मधु इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स ऑफ हर पेरेंट्स PARENTS ये सेंटेंस है। तो हमको जो है यहाँ पर मिला ओनली, तो ओनली से पहले हमने किसका यूज ले दिया, द का यूज ले दिया, ठीक है। तो विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट ओनली, यदि हमारे पास में फर्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, ओनली वर्ड है, तो इनसे पहले जो है हम द का यूज लेंगे। जैसे हमारे पास में पहला सेंटेंस था कि हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ठीक है, कि लास्ट बेंच पे कौन बैठा हुआ है, तो लास्ट से पहले जो है द का यूज आ गया। उसके बाद में है मधु इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, तो ओनली से पहले जो है किसका यूज आ गया, द का यूज आ गया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास में ब्लैंक्स के बाद में वर्ड्स आ रहे हैं फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट और ओनली, तो हमें जो है वहां पर द का यूज लेना है, ठीक है। अब लेते हैं रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 जो है वो है कि रूल नंबर 4 में है विद ए कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन, ठीक है, विद ए कॉमन नाउन, विद ए कॉमन नाउन when that noun represents, when that noun represents, ठीक है, with a common noun, noun जब हमने पढ़ा था उसमें आया था common noun represents the whole class, ठीक है, the whole 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 class, एक कॉमन नाउन के साथ में इसका प्रयोग होता है जब वो होल का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण वर्ग के लिए बताएं, ठीक है, संपूर्ण वर्ग के लिए बात करें तो इसका जो है प्रयोग होता है। द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, जैसे है कि द रोज, रोज इज ए ब्यूटिफुल BEAUTIFUL फ्लावर FLOWER, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रोज से मतलब है सारे रोजेस, ठीक है, और रोज जो है उसका मतलब हो गया सारे रोजेस जो हैं, इसलिए पहले जो है इसके पहले जो है द का यूज हो गया। तो विद ए कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन के साथ में व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, ठीक है, जब वो संपूर्ण वर्ग का बोध कराए तो कॉमन नाउन से पहले जो है वो द का यूज होगा। तो यहाँ पर जो है द का यूज हो गया, द रोज इज ए ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में जो है द का यूज हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसके बाद में कि द डॉग इज ए वेरी जेंटल बर्ड, ठीक है, द डॉग, The dog is a very gentle, G-E-N-T-L-E, gentle bird, B-I-R-D, gentle bird, ठीक है। तो dog से मतलब हो गया सारे dogs, dogs का मतलब होता है फाकता, dog का मतलब हो गया सारे dogs, तो इससे पहले जो है किसका यूज आ गया, the का जो है वो यूज आ गया। तो With a common noun, when that noun represents the whole class, ठीक है, एक common noun के साथ में जब वो common noun जो है वो पूरे whole class का, whole class को represents करती हो, जैसे the rose in a beautiful flower, उसमें जो है सारे roses आ गए, ठीक है, तो dove में जो है वो सारे dove से आ गए, तो यहाँ पर जो है वो हमने देखा use ले दिया। तो इसके बाद में जो है ये हुआ 4th नंबर का रूल द को यूज करने का, यूज ऑफ द
इसका फोर्थ नंबर का रूल है। फोर्थ के बाद में नेक्स्ट जो है अब आएगा फिफ्थ नंबर का रूल, कि फिफ्थ नंबर का जो रूल है वो क्या है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का जो रूल है वो है विद सच कॉमन विद सच नाउन्स एज अर्थ, विद सच नाउन्स एज, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ में अर्थ मून सन स्काई, ठीक है, अर्थ मून सन स्काई एट्रैक्सेट्रा, इनके साथ में भी जो है ये रूल अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से आता है कि जो चीज एक ही है उसके लिए अर्थ मून सन और स्काई इनके लिए जो है वो द का यूज आता है। ठीक है, तो विद सच नाउन्स एज, इन नाउन्स के साथ में जैसे अर्थ है मून है सन है स्काई है एट्रेक्सेट्रा, तो इनके साथ में जो है वो हम द का यूज लेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये सेंटेंस हमारे पास में है कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो यहां देखिए हमारे पास में यहां पर आया अर्थ, तो अर्थ से पहले भी हमने किसका यूज लिया, द का यूज लिया। ठीक है, और यहां पर हमारे पास में आया सन, तो सन से पहले भी हमने किसका यूज लिया, द का यूज लिया। तो कहने का मतलब है कि विद सच नाउन्स एज अर्थ मून सन स्काई एट्रेक्सेट्रा, यदि ये आ जाए तो इनके पहले जो है हमेशा द का यूज होगा। तो आ गया द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो सन से पहले भी द का प्रयोग हो गया और अर्थ से पहले भी जो है वो हमने द का यूज ले दिया है। ठीक है, तो देर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, दूसरा सेंटेंस है कि देर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इन द स्काई। तो देखिए यहां पर स्काई हमारे पास में आया है, तो स्काई से पहले हमने किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। तो कहने का मतलब है कि विद सच नाउन्स एज अर्थ मून सन एंड स्काई एट्रेक्सेट्रा, द अर्थ आ गया, अर्थ से पहले द का यूज हो गया, रिवॉल्व्स राउंड द सन इसके बाद में हो गया, देर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, तो स्काई जो है उसके पहले जो है आसमान के पहले जो है वो किसका यूज हो गया, द का यूज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि स्काई अर्थ मून सन इनसे पहले जो है वो हम द का यूज लेते हैं। विद सच नाउन्स एज अर्थ मून सन स्काई एट्रेक्सेट्रा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, देर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, सो वी से दैट वी यूज द विद अर्थ मून सन एंड स्काई, हम जो है द का यूज लेते हैं, वो अर्थ मून सन और स्काई से पहले जो है हम जो है द का यूज लेते हैं। तो ये जो है आपके पास में जो है फाइव रूल्स जो है वो देखे हुए हैं, आगे जो है सिक्स से लेकर के और जो शेष रूल है 12 तक, सिक्स रूल और बाकी हैं, उसके बाद में ओमिजन जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपको पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।